पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम गांव उमरी सब्जीपुर में रविवार से 5 दिवसीय 7वां बाबा नीम करौली स्मृति उत्सव हर्षोल्लास से शुरू हुआ। सुबह पूजन और शाम को भव्य खाटू श्याम महाराज की भजन संध्या का आयोजन किया गया। रविवार सुबह काशी से आचार्य घनश्याम त्रिपाठी ने पंचांग पूजन करवाया। इसके बाद मंडप प्रवेश करवाया गया। देवी देवताओं का आह्वान किया गया। सभी देवताओं को यज्ञशाला में स्थान दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। इसके बाद आचार्यों ने मंदिर में कलश पूजन किया। भजवन नारायण नारायण का जाप कर महिला श्रद्धालु सिर पर कलश रखकर यज्ञशाला तक पहुंची। रास्ते में आचार्य मंत्रोच्चार करते हुए बालाजी महाराज और भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा की। बाद में यज्ञशाला में कलश स्थापना की गई। महिलाएं और पुरुष श्रद्धालुओं ने पीले वस्त्र धारण किए थे। पूरा परिसर फूल और सामग्री की खुशबू से महक रहा था। बोली बालाजी हनुमान जी महाराज। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम राम बालाजी धाम। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज है मंडप, मतलब शोभा यात्रा, जल यात्रा, मंडप प्रवेश, पंचांग पूजन और वेदी निर्माण। क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस मंच से आप जनता को? क्या जनता से क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आज इस कार्यक्रम को लेकर जन कल्याण के लिए कार्यक्रम हो रहा है, मतलब सभी का कल्याण हो, सभी की जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। मूर्ति की स्थापना और मां दुर्गा की और शिव परिवार की स्थापना है। आप सब लोगों को अगवत होगा। भैया जगह बनाओ भैया, लाइन से लाइन से आइए, आप लोग लाइन से आइए। कार्यक्रम में चल रहा है, जिस किसी भक्त को अपनी आहुति प्रदान करनी हो, देनी हो, वो सुबह 9 बजे यहाँ उपस्थित हो जाए और बाबा की आहुति दें। शाम को, कल शाम को 6 बजे से माता की चौकी राजकुमार गोस्वामी द्वारा की जाएगी इसी प्रांगण में। आप सभी को निमंत्रण है, अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब लोग आए और मंगलवार को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ, जो भारद्वाज जी धामपुर से पधार रहे हैं, वो वहाँ पर किया जाएगा। पांचों दिन इसी तरह प्रकार से प्रमाण चलते रहेंगे। 27 तारीख दिन बुधवार को हरे कृष्णा कीर्तन मंडल की तरफ से यहाँ पर शाम को किया जाएगा और 28 तारीख को भव्य विशाल भंडारा पूर्ण आहुति इस प्रांगण में बाबा के लिए समर्पित होगी। बाबा अपने स्थान पर विराजमान होंगे। सब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन 12:30 बजे शुरू किया जाएगा। आप सभी को अभी से निमंत्रण है, आप सब लोग आए 28 तारीख को यहाँ भव्य
मेरा होगा, बाबा के दर्शन करने सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हों। जय श्री राम। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।